आधे से ज़्यादा जीवन टीचर की स्पीड को मैच करने में लगा दिया। स्कूल में ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना या वहाँ जाकर सवालों को हल कर पाना अब शायद बेहद मुश्किल हो गया है। ऑनलाइन शिक्षा आज के वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिससे हम चाहकर भी अपना मुंह नहीं फेर सकते। लेकिन आज के वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या स्कूल अब खुलने बेहद ज़रूरी हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एड्यूवार्ता। अभी तक हमने आपको ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कई कहानियां बताई थी। हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी आई, जिसका मानना था कि भारत की सिर्फ 24% आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर पाती है। हाल ही में द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट ने इसे साफ कर दिया है, जिसमें माना गया है कि जहां एक तरफ समाज का विस्तार टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है, वहीं पर्याप्त मात्रा में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा ना होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पर्याप्त मात्रा से इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। ये स्थिति देश के कई हिस्सों की है, पर ताज़ा मामला हरियाणा से है। रिपोर्ट में ये माना गया है कि 20% ऐसे छात्र हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं हैं। वहीं बताया गया है कि 15% के पास साधारण फ़ोन है, तथा 65% वह छात्र हैं जो किसी ना किसी के फ़ोन पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि या तो वह फ़ोन उनके माता पिता के हैं या किसी और फैमिली मेम्बर के। इनमें से ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ काम कर अपना घर चलाते हैं। ये सभी बच्चे फोन का इस्तेमाल तब तक नहीं कर पाते जब तक उनके माता पिता घर ना लौट आए। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमजोर नेटवर्क होने के कारण स्थिति और खराब हो जाती है। अब आपको सरकार ने क्या किया है वह समझाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एड्यूसैट के 4 चैनल चलाए, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 4 टेलीविजन प्रोग्राम्स की सुविधा करवाई गई। पर इसकी समस्या ये है कि उन बच्चों के घरों में बिजली सिर्फ 4 घंटे के लिए आती है और हर प्रोग्राम के स्लॉट्स बने हुए हैं। अब आपको दूसरे पहलू की तरफ ले जाते हैं, जहां एक तरफ अभी तक ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी बातें हो रही थी, वहीं इसकी वजह से आर्थिक रूप से भी बंटवारा हो चुका है, बल्कि डाटा से जुड़े खर्च पर अब सवाल उठ रहे हैं। आज के वक्त में जहां किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप अपने पॉकेट में पड़े स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एक वर्ग के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से होने वाले शारीरिक नुकसान की तरफ सवाल उठा रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से उनकी आँखों पर असर पड़ रहा है, और वहीं एक वर्ग के बच्चे इस समस्या को इंटरनेट के पैसे कैसे भरे इससे जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट में साझा किया गया है कि भारत में अभी तक का चीपेस्ट डेटा दिया जा रहा है, जो 10 रुपये पर GB प्रतिदिन है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सस्ता है। यहाँ ग्लोबल एवरेज देखी जाए तो ये 350 रुपये प्रतिदिन है। फिर भी एक दिन में 1 GB डेटा की खपत तो हो ही जाती है। जूम ऐप पर एक क्लास 250 से 350 का डेटा यूज़ कर लेती है। इसके अलावा भी कई आदिवासी इलाकों में ऐसी सुविधा ना होने के कारण बच्चों को स्कूल साल के बीच में ही छोड़ना पड़ता है। आज के वक्त में जब सब कुछ ऑनलाइन है और आप एक टैब से अपने हाथ में चीज़ें हाजिर कर सकते हैं, वहीं लाखों बच्चे सबसे अच्छी कनेक्टिविटी ना होने के कारण स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, इस बात पर सरकार को कोई पॉलिसी ज़रूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है आप हमें लिखकर ज़रूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।